नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का इंडियन फ्लाइंग के आज की इस नई वीडियो में। रोजाना की तरह हम फिर से आप सभी लोगों के लिए एयरलाइंस और ट्रैवल से जुड़ी हुई कुछ बेहद ज़रूरी और काम की खबरें लेकर आ चुके हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इन खबरों को, लेकिन सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ चलते हैं जो आ रही है कुवैत से। जी हाँ दोस्तों, कुवैत से यहाँ पर सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बताना चाहेंगे कि कुवैत जो है 1 अगस्त से अपनी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को चालू करने की घोषणा कर चुका है। 1 अगस्त से जो लोग भी कुवैत के लिए ट्रैवल करके जाना चाहते हैं, उन सभी लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज लगी होगी तो ही अब ये लोग कुवैत के लिए ट्रैवल करके जा सकते हैं। यदि आप भी कुवैत के लिए ट्रैवल करके जाना चाहते हैं तो आपको कुवैत की गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव्ड वैक्सीन लगानी पड़ेगी। यहाँ पर आपको बता दें कि जो कुवैत की गवर्नमेंट के द्वारा जिन वैक्सीन का अप्रूवल दिया गया है उनमें शामिल है फाइजर, एक्स्ट्राजेनिका, मॉडर्ना और जॉनसन एंड जॉनसन। इनमें से यदि आपने किसी भी एक वैक्सीन लगवाई हुई है और वैक्सीन की दोनों डोज ली हुई है तो आप कुवैत में आसानी से ट्रैवल करके जा सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप कुवैत के लिए ट्रैवल करना चाहते हैं तो आपको अपने साथ कोरोना वायरस की नेगेटिव रिपोर्ट लेकर ट्रैवल करना पड़ेगा, जो कि 72 घंटे से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगली बड़ी अपडेट यहाँ पर कनाडा जाने वाले लोगों के लिए आ गई है। आपको बताना चाहेंगे कि जिन लोगों को भी कनाडा के लिए ट्रैवल करना है उनके लिए कनाडा की एम्बेसी जो कि भारत में है उसकी तरफ से जानकारी शेयर की गई है कि 17 जून की आधी रात से स्टूडेंट्स लोगों के लिए यहाँ पर वीज़ा की सर्विस शुरू की जा रही है। आपको बता दें कि यहाँ पर कनाडा की एम्बेसी के द्वारा एक BFS ग्लोबल का लिंक शेयर किया गया है, जो लिंक आपको कनाडा की एम्बेसी के ट्विटर हैंडल अकाउंट्स पर मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, यदि आप भी कनाडा जाना चाहते हैं और आप स्टूडेंट्स हैं तो अब आप कनाडा के लिए ट्रैवल करके जा सकते हैं। इसकी और अधिक जानकारी के लिए आप ट्विटर पर जाकर कनाडा इन इंडिया के ट्विटर हैंडल अकाउंट्स को चेक कर सकते हैं, या फिर आप हमें भी ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और अगली बड़ी अपडेट यहाँ पर वैक्सीन को लेकर आ गई है। आपको बताना चाहेंगे कि अब आगे आने वाले समय में बहुत ही जल्दी भारत की बनी हुई कोवैक्सीन का भी WHO की तरफ से अप्रूवल मिलने वाला है। आपको बता दें कि इसकी जो अपॉइंटमेंट है, जिस डेट पर WHO यहाँ पर कोवैक्सीन का अप्रूवल देगी, उसकी डेट जो है 23 जून की बताई जा रही है। 23 जून को यहाँ पर WHO की तरफ से एक बड़ा अनाउंसमेंट आ सकता है, जिस डेट को यहाँ पर कोवैक्सीन को WHO की तरफ से अप्रूवल मिल जाएगा। आपको बता दें कि यदि ऐसा मुमकिन हो जाता है तो फ्रेंड्स, उन सभी लोगों को काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाएगी जिन लोगों ने भी भारत की बनी हुई कोवैक्सीन खुद के ऊपर लगवाई हुई थी और वो सभी लोग दूसरे देशों में ट्रैवल करके जाना चाहते थे। इस समय भारत की बनी हुई केवल कोविशील्ड वैक्सीन ही दूसरे कंट्री में ट्रैवल करने की मान्य है और बहुत सारे देश यहाँ पर केवल कोविशील्ड वैक्सीन, जो कि एक्स्ट्राजेनिका वैक्सीन भी कहते हैं, उस वैक्सीन का ही अप्रूवल दे रहे हैं। कोवैक्सीन का अप्रूवल जो है WHO की तरफ से अभी तक नहीं मिल पाया है, जिस कारण से अभी भी दुनिया के बहुत सारे देशों ने इस वैक्सीन का अप्रूवल नहीं दिया है। यदि यहाँ पर WHO की तरफ से इसका अप्रूवल मिल जाएगा तो फ्रेंड्स, ये एक बहुत ही अच्छी खबर होगी भारत के लिए। इसके अलावा फ्रेंड्स, एक और बड़ी अपडेट यहाँ पर दिल्ली एयरपोर्ट से आ गई है। आपको बताना चाहेंगे कि दिल्ली एयरपोर्ट के Terminal 3 से यहाँ पर जानकारी आ रही है कि वहाँ पर थोड़ा बहुत रिपेयर एंड मेंटेनेंस का काम चल रहा है, जिस कारण से यदि आप दिल्ली एयरपोर्ट के Terminal 3 पर यदि आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको वहाँ पर थोड़ी सी समस्या हो सकती है, क्योंकि वहाँ की जो पिकअप एंड ड्रॉप की अब जो फैसिलिटी है वो मल्टी लेवल कार पार्किंग पर शिफ्ट हो गई है, यानी कि अब आपको यहाँ पर पिकअप एंड ड्रॉप सर्विस के लिए थोड़ी सी समस्या आ सकती है। फ्रेंड्स, इसके अलावा एक और बड़ी अपडेट यहाँ पर जेट एयरवेज को लेकर आ गई है। आपको बताना चाहेंगे कि जेट एयरवेज जो कि अभी भी इंसॉल्वेंसी के दौर से गुजर रहा है और अभी भी जेट एयरवेज को यहाँ पर NCLT के फाइनल अप्रूवल का इंतजार है। आपको बता दें कि जेट एयरवेज के शेयर होल्डर्स के द्वारा यहाँ पर एक मीटिंग की गई थी जिसमें जेट एयरवेज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रिजेक्ट कर दिया गया है। आपको बता दें कि ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट था, ये फाइनेंशियल ईयर 2020 का था, जिसको कि जेट एयरवेज के शेयर होल्डर्स ने मीटिंग के दौरान इस फाइनेंशियल रिजल्ट को रिजेक्ट कर दिया है। बात करें यहाँ पर जेट एयरवेज की मौजूदा हालात के बारे में, तो इस समय अभी भी जेट एयरवेज के स्लॉट्स को लेकर कोई भी कंफर्म जानकारी नहीं मिल पा रही है। आपको बता दें कि यहाँ पर DGCA ने साफ साफ NCLT को बोल दिया है कि जेट एयरवेज के जितने भी पुराने स्लॉट्स थे वो जेट एयरवेज को वापस नहीं मिल पाएंगे। अभी यहाँ पर फाइनल डिसीजन लेना बाकी है NCLT की तरफ से कि जेट एयरवेज क्या अपनी उड़ानों को चालू करेगा या फिर नहीं करेगा।
तो फ्रेंड्स जो भी अपडेट होगी हम आपको आगे अपने वीडियो के माध्यम से अपडेट करते रहेंगे। लेकिन यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और अगली बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। ये जो खबर है ये फ्रेंड्स वीजा को लेकर आ गई है। आपको बताना चाहेंगे कि भारत में जैसे जैसे अब कोरोना वायरस के केसेस कम होने शुरू हो गए हैं, वैसे वैसे अब यहाँ पर दुनिया के दूसरे देश भारत के लोगों के लिए वीजा की सर्विस शुरू कर चुके हैं। शुरुआत में यहाँ पर जो वीजा की सर्विस मिल पा रही है वो केवल स्टूडेंट्स लोगों के लिए है। आपको बता दें कि यहाँ पर US, कैनेडा, इसके अलावा रशिया, फ्रांस और US जैसे देशों ने स्टूडेंट्स के लिए वीज़ा की सर्विस शुरू कर दी है। इसकी जानकारी के लिए हमने एक पहले ही एक सेपरेट वीडियो बना दिया है। यदि अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आई के बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें हमने पूरी जानकारी दी है कि कौन कौन से देशों ने स्टूडेंट्स लोगों के लिए वीज़ा की सर्विस शुरू कर दी है। और आगे आने वाले समय में फ्रेंड्स उम्मीद है कि दूसरे कैटेगरी के लोगों के लिए भी बहुत ही जल्दी अब यहाँ पर वीज़ा की सर्विस शुरू हो जाएगी और नॉर्मल फ्लाइटें जैसे कि पहले ऑपरेट होती थी वैसे फ्लाइटें यहाँ पर बहुत ही जल्दी भारत में ऑपरेट होनी शुरू होने वाली है। फ्रेंड्स इसके अलावा एक और बड़ी अपडेट यहाँ पर नेपाल की तरफ से आ गई है। आपको बताना चाहेंगे कि नेपाल की गवर्नमेंट की तरफ से जो जानकारी सामने आ रही है उसके अनुसार नेपाल की गवर्नमेंट बहुत ही जल्दी अब अपने यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को नॉर्मल बेसिस पर चालू करने की घोषणा करने वाली है। आपको बता दें कि अभी भी नेपाल में केवल कुछ स्पेशल फ्लाइटें और चार्टर फ्लाइटें ही ऑपरेट की जा रही है। अभी भी नेपाल ने सभी देशों के साथ अपनी फ्लाइटों को ऑपरेट करने की अनुमति नहीं दी है। साथ ही साथ यहाँ पर भारत की बात करें तो भारत से केवल एयर इंडिया ही इस समय नेपाल के लिए अपनी फ़्लाइटों को ऑपरेट कर रही है। लेकिन फ्रेंड्स अब यहाँ पर जो खबर सामने आ रही है उसके अनुसार नेपाल की गवर्नमेंट अब रेगुलर बेसिस पर अपनी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को चालू करने की घोषणा करने वाली है। इसके अलावा फ्रेंड्स एक और बड़ी अपडेट की तरफ चलते हैं जो आ रही है यूके के पैसेंजर्स के लिए। यदि आप यूके के लिए ट्रैवल करके जाना चाहते हैं तो अब यूके की गवर्नमेंट जो है वैक्सीन पासपोर्ट की सर्विस शुरू करने वाली है। जी हां दोस्तों, ये उन सभी लोगों को काफ़ी ज़्यादा फायदा करेगी जिन लोगों ने वैक्सीन की दोनों डोज लगाई हुई है। यदि ऐसे लोग अब यूके में ट्रैवल करके जाएंगे तो उनको क्वारंटीन में नहीं रहना पड़ेगा, भले ही ये लोग एम्बर लिस्ट वाली कंट्री से ट्रैवल करके आ रहे हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर यूके की गवर्नमेंट ने 3 कैटेगरी के लिस्ट बना रखी है। यदि आप यहाँ पर रेड लिस्ट वाली कंट्री से ट्रैवल करके जाते हैं तो आपको यहाँ पर कंपलसरी इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में रखा जाएगा। लेकिन वहीं यदि आप एम्बर लिस्ट वाली कंट्री से बिलोंग करेंगे और आपने वैक्सीन की दोनों डोज लगाई हुई है तो फिर आपको क्वारंटीन में नहीं रहना पड़ेगा। फ्रेंड्स अगली और आखिरी खबर यहाँ पर सऊदी अरेबिया को लेकर जान लेते हैं। आपको बताना चाहेंगे कि जो लोग भी सऊदी अरब ट्रैवल करके जाना चाहते हैं उन सभी लोगों के लिए अब यहाँ पर एक अलग से लिंक जारी कर दिया गया है। आपको बताना चाहेंगे कि ये जो लिंक है ये मुकीम वेबसाइट है जहाँ पर सभी लोगों को जो लोग भी सऊदी अरब ट्रैवल करके जाना चाहते हैं भले ही उन्होंने वैक्सीन लगाई हुई है नहीं लगाई हुई है उनको मुकीम वेबसाइट पर जाकर खुद को रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा तो ही अब वो सऊदी अरेबिया ट्रैवल करके जा सकते हैं। बात करें यहाँ पर भारत की तो अभी भी सऊदी गवर्नमेंट ने भारत से अपनी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को चालू नहीं किया है। लेकिन यदि आप किसी दूसरी कंट्री के माध्यम से सऊदी अरब भी ट्रैवल करके जाते हैं तो भी आपको यहाँ पर मुकीम वेबसाइट पर खुद को रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप सऊदी अरब के लिए ट्रैवल करके जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये थी आज की एयरलाइंस की कुछ बेहद ज़रूरी और काम की खबरें। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो यदि आपको अच्छी लगी है, काम की लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसी लेटेस्ट अपडेट समय पर मिलती रहे।